देखा एक स्त्री, आज पहली बार शमशान में मैं स्त्री को देख रहा हूं। क्या तेरा घर वाला कोई नहीं रहा? फिर और आगे बढ़े तो देखा कि तारा तारा तुम? बोली हाँ महाराज। बोली बेटा बेटा, जैसे बेटा की बात आई है तो भैया तारा ने आगे कहा करो, को जैसी देखा जमीन पे गिर पड़े, रोने लगे। जब रो रहे एकदम धर्म की याद आई, फिर खड़े हो गए, कहने लगे तारा पहले कर का टका दे, उसके बाद लाश को जलाना। महाराज मेरे पास में कर का टका कहां से आया? बोले तारा याद करो उस दिन की, जब हम नदी पे गला भरने के लिए गए थे तो तुम भी पंडितानी बन रही थी, तुम्हारा भी धर्म था और आज मेरा भी धर्म है, बिना करके टका के लाश को नहीं जलाने दूंगा तारा। माताओं मैया के पास में कुछ नहीं था, आधी साड़ी बची तो आधी साड़ी आज करके टका के रूप में दे दी। अब तो मैया के शरीर पर ढकने के लिए शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तारा आज चली है माताओं और जाकर के मंदिर में सोई गई। जब मंदिर में सोई गई तो विश्वामित्र ने क्या किया कि तो बच्चों का कत्ल किया और एक चौराहे पर डाल दिए, काशी में जाकर के आवाज लगा दी कि काशी के अंदर गाय नाच चुकी है, जो बच्चों को खाती है उसे मारो। काशी के लोग मिसाले जलाए जलाए के भागे। भाइयों जब मिसाले जलाए जलाए के भागे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मंदिर में अंदर घुस जाए, तो आज कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, हरिया इस मंदिर के अंदर डायने इसका पद करो। तो हरिश्चंद्र जैसी अंदर पहुंचे, जाती जाती का तारा के केसों को पकड़ा और उठा लिया। बोले तारा तुम? बोले हाँ। क्या तुम ही डायन हो? कहने लगी महाराज जब मैंने अपना ही बेटा खा लिया तो मुझसे बड़ी और कौन डायन हो सकती है, मारो। जैसे महाराज हरिश्चंद्र तलवार मारने के लिए तैयार हुए, विश्वामित्र आ गए, पीछे से तलवार को पकड़ लिया। रुक जाओ हरिश्चंद्र। स्वामी जी आप, हाँ, आप तो वही साधु है ना, आपने आकर हमारा सारा राज्य पाट ले लिया, हमें बेघर कर दिया। हम वही साधु हैं। अब क्या हमारे प्राण लेने आए हो? हरिश्चंद्र, हाँ, लेने नहीं देने आए हैं। कहना क्या चाहते हो स्वामी जी? पहले आप ये बताओ कि आप तीन प्राणी थे, आपके साथ में छोटा बच्चा था, वो कहाँ है? स्वामी जी मेरे पुत्र रोहित दास को तो सर्प ने डस लिया, स्वामी जी उसकी लाश पड़ी है। नहीं हरिश्चंद्र, आप अपने बच्चे को आवाज लगाओ, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी। तो आज महाराज हरिश्चंद्र ने अपने बेटा रोहितदास के लिए आवाज लगाई और भाइयों जैसी आवाज लगाई तो आज बेटा रोहितदास खेलता कूदता हुआ मैया के पास में आ गया। मैया तारा ने बेटा को उठा करके अपनी गोद में ले लिया, छाती से लगा लिया। बोल गोविंद भगवान की। कहने लगे हैं विश्वामित्र,
हरिचंदन ये तो आपकी परीक्षा थी, आप परीक्षा में खड़े उतरे, हम आपको आपका राज्य पुनः वापिस कर दिए, राज्य को वापिस किया और वहां महाराज हरिचंद को एक उपाधि मिलती है सत्यवादी की।